हेलो अब्रीवान दिस इज स्टीफी स्पीकिंग आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन एंड न्यूरोटमी अच्छी पढ़ी जा रही है बट आई कैन अंडरस्टैंड ऑनलाइन पढ़ने में और इन पर्सन पढ़ने में बहुत फ़र्क है अच्छा द न्यूरोटमी का जो मैंने एक ब्रेकडाउन भेजा था आपने कौन सी चीज़ कैसे कहाँ से पढ़नी है सो कमिंग टू द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द ब्रेन स्टैम इसमें वी विल बी डूइंग एक्चुअली सिक्स इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शंस बट आई विल भी गिविंग अ डेमो ऑफ ओनली थ्री स्टार्टिंग विद द मिड ब्रेन देन गोइंग ऑन टू पॉन्स एंड एंड मेडल ऑबल गैटअ सो एक्चुअली हम पढ़ते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉड टूवर्ड्स अप टूवर्ड्स द ब्रेन यानी कि एक्चुअल सेब्रम बट क्रॉस सेक्शंस बनाने के लिए इट्स ईजियर एंड मोर ट्रैक्टिकल इफ यू गो फ्रॉम मिड ब्रेन

दो पेयर्स हैं एक सुपीरियर कॉलिकुलस और एक इन्फीरियर कॉलिकुलस अब इनके लेवल्स पे हमने इनको क्रॉस सेक्शन किया हुआ है फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट आपको नेक से जैसे हम काटें दैट ट्रांसफर्स और क्रॉस सेक्शन विल बी द वंस वी आर डूइंग तो उसमें हम ऊपर से काटने के बाद फिर ऊपर से देखें सुपीरियर व्यू के क्या नजर आ रहा है दैट्स वट वी आर गोना मेक एंड दैट्स वट वी आर स्टडिंग दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर न्यूरोनाटमी क्वेश्चन लाजमी आता है मेड ब्रेन के क्रॉस सेक्शंस या पॉन्स के क्रॉस सेक्शंस में से मेडोला में से कम आते हैं ओके लेट स्टार्ट इसकी एक स्पेसिफिक शेप है दैट आई मेमोराइज। अब वो शेप कुछ इस तरह बनानी है आपने थोड़ा सा लैटर ले गए मेकिंग इट लुक लाइक अ। ये इसका पेटेंकुलर फॉसा सेम विद द अदर साइड द मोर कर्वी इट इज़ द मोर नेचुरल इटफिल लुक अब हेयर इट गोस मैंने इसको एक मौत यानी कि एक बटरफ्लाई जो मौत होती है उसकी शेप से इसको मैंने वो दिया हुआ है एक सेमिली दिया हुआ है और मैं उसी को दिमाग में करता हूँ और साथ साथ मैं इसको एक ह्यूमन फेस से रिप्रजेंट करता हूँ सो हेयर इट गोस अब मैं जैसे चीज़ें बना रहा हूँ सबसे पहले हमने बनानी है दाढ़ी दाढ़ी के तीन बाल हैं इसी तरह सेमिट्रिकल है दोनों साइडों पर सेम पहले दो के दरमियान में कम गैप है अगले के दरमियान में ज़्यादा गैप है उसके बाद देन वी हैव मॉस्टैच माउस्टैश दोनों साइडों पे बन गई इट्स सपोज टू बी रेगुलर कज हैंड मेड ए यू आर नॉट अ कंप्यूटर इवन आप बुक को कंसल्ट करें तो उसमें ऐसे बना हुआ है ठीक है अब सिंस हम सुपीरियर कॉलिकुलर्स के लेवल पे बना रहे हैं तो हमें कॉलिकुलाए तो बनाने हैं यहाँ पे कॉलिकुलाए आई कंसिडर दम एज लाइक हॉर्नस ये मैंने यहाँ पे कॉलिकुलाए बना लिया ठीक है सिमिलरली वी हैव द टू सुपीरियर कॉलिकुल अब हमने क्या कहते हैं हॉर्न्स बना लिए ऊपर अब इसके होनी चाहिए एक फेस तो होना चाहिए फॉर फेस आई विल गो लाइक दिस हैव यू एवर सीन अफिक्स जो जीसस का साइन है अब उसके इर्द गिर्द हमारे पास ये एक समझ लें फेस का स्ट्रक्चर बन गया इसको अगर थोड़ा सा मैं लेटनी री डू इट इतना सा भी एक्यूरेट हो जाए तो इट्स मोर देन इनफ इट लुक्स लाइक अ फेस अगर आप ऊपर से यू देखो ना फ्रॉग जैसे लग रहा होता है अब इसके अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनानी है आई कंसिडर आई ब्रोज आइज के साथ आईब्रोज और यहां पे अब हम बना देंगे ये आइज जब आइज होती हैं बीइंग हैं मेडिकल स्टूडेंट्स आइज के नीचे हमारे पास क्या होते हैं डार्क सर्कल्स इनको ऐसे बनाते हैं ये हमारे पास डार्क सर्कल्स हो गए ये मिड लाइन में इसी तरह बनते हैं अब ठीक है अब ये जो फेस की हमने चीज़ें बना दी हैं ना इनकी हम लेबलिंग में आपको एक ही तरीके से बताऊँगा एक स्टेप में थोड़ा सा इससे नीचे आएँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने बनानी है ना अब फेस के साथ साथ कान भी होते हैं ये देखो ये हमारे बन गए ईयर्स अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलर्स इज द रेड न्यूक्लियस अब रेड न्यूक्लियस को रूबा रूबी कम्स फ्रॉम रेड रेड कलर से रूबी तो अब हमने उसके लिए पहले ये दो न्यूक्लिया बना दिए ठीक है लेट मी जस्ट जो न्यूक्लिया बना दिए अब इनको क्या करना है हमने इनको डी के सेक एक सेकेंड देर एन एरर यहां पे होना चाहिए था थोड़ा और देखिए यहां पे होना चाहिए था ठीक है अब इनको हमने डीकसेट करते हैं डीकसेट कोई भी उस चीज़ को कहते हैं जब वो मिड लाइन को क्रॉस करे अब आपको पता होना चाहिए ये जो ये चीज़न ये दिस इज द मिड लाइन ठीक है अब इसको क्रॉस कराना है हमने तो वो किस तरह क्रॉस करेंगे इट्स लाइक दिस इधर से इधर से इसको हम कहेंगे डिकसेशन ऑफ सेट सिंस इट इज रेड रेड न्यूक्लियस से रूब्रो स्पाइनल ट्रैक ठीक है ये लेबलिंग जब हम करेंगे तब प्रोमिनेंट हो जाएगा अब ये इन रूबीज़ को मैं राइट से आ, लेबल कर रहा हूँ तो आई एल कंसिडर दम एज लिप्स अब लिप्स के इर्द इतना हमारे पास वी हैव दिस शेड जैसे आउटर लिप पे होता है ना हेयर का शेड दिस सो वी आर डन विद द बेसिक स्ट्रक्चर और द बेसिक आउटलाइन ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलर ऑफ मिड ब्रेन अब इसकी जो लेबलिंग है ना वट आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू डू इज़ जैसे मैं लेबलिंग करता होता था वट आई वुड डू कि मैं सर से लेके एंड तक ना एक तरीके से पहले लेबल्स बना देता था वन टू थ्री सेवनटीन तक का सेवनटीन लेबलिंग्स होती हैं उसके बाद फिर मैं नीचे लिखता था फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड डू दिस लाइक वन टू थ्री फोर फाइव अच्छा एक जो चीज़ हमने नहीं निकाली थी इसके अंदर से दैट इज़ द नर्व अब ये जो नर्व निकल रही होती है ये इस न्यूक्लियस से शुरू होती है और ये रेड न्यूक्लियस के अंदर से गुजरती हुई यहाँ आती है सिमिलरली इसके अंदर से गुजरती यहाँ आती है ठीक है दोनों साइडों पे बायलैटरली निकाल दी अच्छा फाइव तक हो गई थी देन दिस नर्व विल बी दिक्स वन अब बाकी दूसरी साइड में आ जाए ताकि गन ना हो सो हेयर इट इज़ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ ये लेमनेस्का है ये जो कान बनाए थे हमने इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं एट सुपीरियर लेवल फोर फोर पार्ट्स होते हैं एट इंफीरियर कॉलिकुलर के लेवल पे तो यह भी नाइन टेन नाइन सेवन नाइन एट सेवन है ना इसी तरह उसमें एक और भी पार्ट आ जाएगा वो सेवन की तरफ हो जाएगा वो लैटरल हो जाएगा ठीक है नाइन इज द मीडियल लेमेस्कस ना उसके बाद फिर हम आ जाए तो दिस विल बी टेंथ दिस विल बी ट्वेल्थ ठीक है अब ये जो दरमियान में ये जगह है ना ये जो फासा बनाया था मैंने दिस विल बी थर्टीन ऑल्सो नोन एज इंटरपेटेंकुलर फॉसा अब फिर ये हो गए दिस वन दिस पॉइंट विल बी फोटीन दिस रेड न्यूक्लियस विल बी फिफ्टीन दिस रेटिकुलर फॉर्मेशन विल बी सिक्सटीन एंड दिस ये जो हमने डार्क सर्कल बनाए थे ये हमारे ना हर सेक्शन के अंदर तकरीबन आएंगे दिस इज़ नोन एज एम एल एफ़ मैं इसको हमेशा एम एल एफ लिखता हूँ एम एल एफ बिकॉज इट इज़ ईजी टू रिमेम्बर इट इज़ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिक्यूल्स सो दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ द सुपीरियर कॉलिकुलर लेवल ऑफ मिड मिड ब्रेन इसी तरह इन्फीरियर कॉलिकुलर लेवल भी बनेगा बस उसमें थोड़े से चेंजेस हैं अब ये जो लेबलिंग आपने कर दी उसके बाद यू विल ब्राइट वन टू थ्री दैट्स हाउ यू गैट 4.5 out of 5, or rather, 5 out of 5. And this is how I will sign it. So, there you are. Done with the level of superior colloquial. It takes practice. Again, if you believe me, I had practiced almost each and every cross-section 8 times. Three times I did it for myself. 2, two times, I had taught it to a friend. I So, that's how you learn.